और पूर्व के अनुभव को देखते हुए आज चूंकि 25 पंचायतों का मतगणना का काम किया जाना है तो संभावना यह है कि रात्रि में थोड़ा लेट हो सकता है, 12 एक या दो भी बज सकता है। तो उसको देखते हुए जितना भी हम लोग को सुख संसाधन देना है, सहूलियत देनी है अपने पदाधिकारियों को, जवानों को, वो भी उपलब्ध कराया गया है। किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है अभी तक, जितने भी पहले भी फेजेस हुए हैं चुनाव के, और हमें उम्मीद है कि आज भी हम लोग अच्छे से कराएंगे। सर, जिस हिसाब से यहाँ पे बेगूसराय सदर के तमाम 25 पंचायतों का यहाँ पे मतगणना हो रहा है, तो इस पे तमाम जनता जो यहाँ पे आए हुए हैं अपने अपने प्रत्याशियों के लेकर, तो शांति के ऊपर बना के रखने के लिए आप क्या उनको सलाह देंगे? देखिए, चुनाव जीतना लड़ना ये बहुत ही इमोशनल एक होता है, लोगों का मेहनत कई दिनों से रहता है और आज के दिन उनका नतीजा आता है। तो अपील तो यही है कि हारे जीते कोई भी जनता मालिक होती है डेमोक्रेसी में, जिसको भी उन्होंने पसंद किया वो जीतेंगे निश्चित रूप से, और अच्छा काम करने के लिए वो प्रेरित होंगे। जितने सपोर्टर्स आए हुए हैं कैंडिडेट्स के, हारे जीते जो भी रहे हैं, हार में भी हतोत्साहित नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, और जीत के अति उत्साहित भी नहीं होना है। जो कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उसका अनुपालन करते रहना है हम लोगों को, और समाज के कल्याण के लिए सभी को काम करना है। हारे जीते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो समाज सेवी हैं वो समाज के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।